गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक नाव को अपने कब्जे में लिया है। इस नाव पर 7-8 लोग सवार थे। पिछले 3 दिनों में दूसरी ऐसी घटना है जिसमें पाकिस्तान की नाव को पाकिस्तानी नागरिकों के सहित सेना ने जब्त किया है। मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उपजे हालात पर चर्चा की गई। इसके अलावा कैबिनेट और आर्थिक मामलों पर कैबिनेट बैठक हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सबूत मांगने वाली पार्टियों को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सबूत मांगने का मतलब हमारी भारतीय सेना की साख और प्रतिबद्धता पर संदेह करना है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के मसले पर श्रीलंका ने भारत का समर्थन किया है। रानिल विक्रमसिंघे भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2014 के एड्स कंट्रोल बिल में संशोधन के फैसले को मंजूरी दी। रूस की तेल कंपनी में 11% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ONGC को इजाजत दी है। रूस, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बाद यूरोपियन संसद ने POK में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंपों पर भारत के सर्जिकल हमले का समर्थन किया है। यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष रिचार्ड जारनेकी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत की सीमा पार कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वागत करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली एस लूंग ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के कई मसलों पर चर्चा हुई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के स्वास्थ्य पर लगातार बढ़ती चिंता के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए आज शाम तक जयललिता के स्वास्थ्य की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जयललिता 22 सितंबर से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली के किदवई नगर में एक स्थानीय शॉपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर योजना एवं शहरी विकास राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वेंकैया नायडू ने कहा कि NBCC और CPWD द्वारा 7 और कॉलोनियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लगातार टाल रहे कर्नाटक ने 6 अक्टूबर तक तमिलनाडु को रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी देने पर सहमति जता दी है। 7 से 18 अक्टूबर तक कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को रोजाना 2,000 क्यूसेक पानी देगी, इस बात पर भी सहमति बनी है। इस बीच केंद्र सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है। खराब मौसम के कारण इसरो द्वारा हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-18 का प्रक्षेपण टाल दिया गया है। इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण आज दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से 2 बजे से 3:15 बजे के बीच होना था। बेंगलुरु के HSR लेआउट थाना क्षेत्र के अंदर 5 मंजिला इमारत गिरने की खबर है। मलबे के अंदर कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। कानपुर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने कल रात 3 ट्रेनों में लूटपाट की। बदमाशों ने चाकू और देसी कट्टे का भय दिखाकर यात्रियों से लूटपाट की। इस घटना में कुछ यात्रियों पर हमला भी किया गया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। यूरोपीय संघ के सांसदों द्वारा पेरिस जलवायु समझौते का समर्थन करने के बाद ये ऐतिहासिक समझौता अब जल्द ही लागू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून की मौजूदगी में सांसदों ने मंगलवार को 38 के मुकाबले 610 मतों से इस समझौते का अनुमोदन किया। यूरोपीय संघ के समर्थन के बाद अब पेरिस समझौते का 55% से अधिक देशों ने समर्थन कर दिया है। जस्टिस RM लोढ़ा समिति के निर्देशों के बाद जहां एक ओर भारत और न्यूजीलैंड सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जस्टिस लोढ़ा ने इस मामले में सफाई दी है। जस्टिस लोढ़ा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही सीरीज के लिए फंड जारी करने पर कोई रोक नहीं लगाई है।